15 दिनों के भीतर गिट्टी खदान और बेलतरूरी थाना क्षेत्र में देर रात हुई डकैती मामले में शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल की और गैंग के 7 सदस्यों को धर दबोचा। इनमें से 3 आरोपी नागपुर शहर के बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 4 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से पकड़ा गया। आरोपियों के नाम गुलगांव तहसानची चिलार रायसेन मध्य प्रदेश निवासी गुरु उर्फ आकाश उर्फ गुज्जर उर्फ मुंगिया चंगीराम गुसाई मानिकपुर जिला चित्रकूट निवासी निर्मल रोशनलाल मुंगिया और रोहित उर्फ भगत रामदास भगत धामरगढ़ा जिला विदेशिया मध्य प्रदेश निवासी पिंटिया बब्बू मुंगिया कपिल नगर निवासी हरी श्रीराम आसोले गोदनी निवासी संदेश रोकड़े और प्रवीण कानोले बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 पहिया वाहन और 8 मोबाइल समेत 4,60,000 का माल जब्त किया गया। वारदात का मुख्य आरोपी चंगीराम बताया जा रहा है। वह अभी अपने दूसरे बेटे और एक अन्य आरोपी के साथ फरार है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों ने 29 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच दाभा में 2 और शिवन गांव में रात 2 बजे से सुबह 5 बजे के बीच डकैती की 3 वारदातों को अंजाम दिया था, जिसमें दाभा में एक वृद्ध महिला के घर में घुसकर मारपीट और मंगलसूत्र व नकदी लेकर फरार हुए। इससे पहले इसी मामले में मां बेटे को घर में अकेले पाकर लूटा था। वही बेलतरूरी थाना क्षेत्र में देर रात में घुसकर 32,000 रुपए की नकदी समेत करीब 81,000 रुपए का माल पति पत्नी से लूट लिया था। वारदातों के क्रम को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के भागने के लगभग सभी रास्तों पर लगे और प्राइवेट सीसीटीवी रिकॉर्डिंग खंगाली। इस दौरान राम झूले के पास से सीसीटीवी में रायसेन निवासी चंगीराम गोसाई दिखा। चंगीराम पुराना डकैत है। सूत्रों के अनुसार 2013 में दुर्गा चौक कुराड़ी परिसर में हुई एक डकैती में भी उसे गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पिछले कई वर्षों में वह नाकर और आसपास के इलाकों में सक्रिय नहीं थे। गेले 2-3 महिन्यांमध्ये नागपूरच्या जे आउटस्कर्ट्स आहेत बाहेरील भाग आहे, जसं दाभा असेल, हुडकेश्वर असेल, बेलतरुडी असेल, ज्या एरियामध्ये घरं ही थोडीशी विखुरलेल्या परिस्थितीमध्ये असतात, तर अशा घरांमध्ये जे आउटस्कर्ट्स अगदी रिमोट असे घरांना टार्गेट करून 7-8 लोकं एकत्र घरात घुसून, ज्या घरांमध्ये विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक महिला वगैरे असतील असे घरं टार्गेट करून त्या घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती चोरी करण्याचे प्रकार वाढले होते। असे 3 मोठे दरोड्याचे गुन्हे हे आपल्या इथे दाखल झाले होते। ही माहिती मिळताच क्राईम ब्रांचचे युनिट 2ची टीम आणि क्राईम ब्रांचचेच घरफोडी पथक आहे, तर ह्याच्यामधले सर्व आमचे अधिकारी व कर्मचारी हे कामाला लागले आणि अथक परिश्रम घेऊन त्या त्या ठिकाणचे CCTV कॅमेरे असतील किंवा मोबाईल रेकॉर्ड्स असतील किंवा इतर काही ह्युमन इंटेलिजन्स आहेत अशा सगळ्यांची ती माहिती घेऊन त्यांनी एक चंगीराम म्हणून जो ज्याच्यामधला मेन आरोपी आहे त्याच्यावरती आमचा फोकस झाला आणि मग त्याचा माग काढायला सुरुवात केली। तर त्याच्यात असं लक्षात आलं की चंगीराम आणि त्याची जी सर्व कुटुंब आहे हे सर्व मिळून अशा प्रकारच्या घटना करत असतात। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे BCN News नागपूर।